हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्सक्रीजन्स को पढ़ेंगे। ये जो हमारा टारगेट 95 प्लस सीरीज है साइंस मैथ में दोस्तों। ऑलराइट, तो उसमें आप देखिएगा कि जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में सारे चीज़ें आपको रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीजन है, हर चीज़ से जितना भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है सबसे क्वेश्चन आता है। और एक्सक्रीजन से अच्छा खासा क्वेश्चन आपको किडनी के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और ऑब्जेक्टिव तो भर भर के बन सकता है। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव आ जाए, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, दो नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तीन नंबर का क्वेश्चन आ जाए, जो भी आ जाए, इवन आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस से अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें भी क्या हमको ध्यान रखना है, उन सारी चीज़ों को बताएंगे अंडरलाइन करके दोस्तों। तो आप बने रहिए, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा लेकिन ये आपको 5 से 6 नंबर दे के जाएगा। तो अच्छे से आइए, एक बार इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिए लास्ट टाइम, ताकि इस बार जो पढ़ें आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे दोस्तों, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसेस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। देखिए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के समय क्या हमारा वेस्ट हो सकता है? फोटोसिंथेसिस के मुझे प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन एज ए गैसेस प्रोडक्ट निकलता है, तो ऑक्सीजन उसमें उसका वेस्ट हो गया, ठीक है। इसका वो क्या करता है तो स्टोमाटा के थ्रू बाहर कर देता है या रख भी लेता है, अपने अंदर थोड़ा बहुत रख भी लेता है, रेस्पिरेशन करने के लिए थोड़ा बहुत रख लेता है, नहीं तो स्टोमाटा के थ्रू उसको बाहर कर देता है। रेस्पिरेशन की बात करें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम में हो, प्लांट में हो या एनिमल में हो, रेस्पिरेशन में हमारा क्या निकलता है? CO2 प्रोड्यूस होता है दोस्तों। इसको हम एक्सहेल के द्वारा, एक्सहेलेशन के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, नोज के थ्रू इसको हम बाहर कर देते हैं। तो अपने गैसेस प्रोडक्ट को हम इस प्रकार से बाहर कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट है। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटीरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। जो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, हमारा जो बॉडी के अंदर और भी बहुत सारा फंक्शनिंग हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है दोस्तों। देखिए ना, जनरेट नाइट्रोजिनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड, मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होता है, उसको निकालना जरूरी होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीजन। हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो एक पूरा प्रोसेस हमारे अंदर चल रहा है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीजन कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट देखिए, एक्सक्रीजन और इगेशन आप पढ़े होंगे दोस्तों, जब आप डाइजेशन पढ़े होंगे ना, डाइजेशन का एक प्रोसेस है, उसमें इगेशन, वो दोनों अलग अलग चीज़ है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेराइड स्ट्रेटेजीज टू डू दिस। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं इसको बाहर करने के लिए। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि हमारे अंदर तीन, ये टोटल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अगर मेटाबॉलिक वेस्ट की बात के बेसिस पे बात करें, मेटाबॉलिक वेस्ट अगर जो जनरेट होता है उसमें तीन ऑर्गेनिज्म को सारे, मतलब तीन और ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं यूरिकोटेलिक, एक को कहते हैं यूरियोटेलिक और एक को कहते हैं अमोनोटेलिक, ठीक है। जैसे जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया प्रोड्यूस करता है, हाईली टॉक्सिक होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो पानी के अंदर रिलीज कर देता है, आसानी से पानी की कमी नहीं है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। एक होता है यूरिकोटेलिक, एक होता है यूरियोटेलिक। हम लोग क्या है दोस्तों, यूरियोटेलिक है, मतलब मॉडरेट अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और एक होता है यूरिकोटेलिक, आपने बर्ड को देखा होगा, अपने लीजार्ड को देखा होगा, उसका वेस्ट को देखा होगा दोस्तों, उसमें क्या होता है ना, उसका वेस्ट होता है बिल्कुल सॉलिड होता है, हाईली कंसनट्रेटेड होता है, पानी कुछ होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है वो सब। वही है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग टेक्निक का यूज करता है, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बेसिक है। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सर्फेस इन टू द सराउंडिंग वाटर। मतलब जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए अमीबा, अमीबा अपने वेस्ट को कैसे बाहर करता होगा दोस्तों? तो अमीबा एकदम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ जो है वेस्ट जो है इधर से उधर पास कर जाएगा। मान लीजिए इधर वेस्ट CO2 हो गया या कोई और मेटाबॉलिक वेस्ट है, इधर अगर ज़्यादा हो गया दोस्तों तो क्या करेगा, ज़्यादा से कम की तरफ अपने आप चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अपना मेटाबॉलिक वेस्ट किस प्रकार से बाहर करता है, तो सिंपल डिफ्यूजन। आप याद रखिएगा, सिंपल डिफ्यूजन, हम अंडरलाइन कर देते हैं दोस्तों ताकि चीज़ें आपको याद रखें, बाय सिंपल डिफ्यूजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे अपने वेस्ट को बाहर करता है, तो सिंपल डिफ्यूजन टेक्निक। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, एज यू हैव सीन इन अदर प्रोसेसेज, कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। अब देखिए कि हमने पूरा लैब प्रोसेस में देखा है कि हमारे पास, हमारा जो बॉडी है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है,
तो हमारे पास हर एक्टिविटी को करने के लिए, जितना भी हमारे पास लाइफ का को कंटिन्यू करने के लिए जो भी प्रोसेसेज है उसको करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है दोस्तों। ऑब्वियसली बात, ऑर्गन से ही तो ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, तो ऑर्गन के थ्रू हम करते हैं। ऑलराइट, अब ह्यूमन बींग्स में मोर इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीजन कैसे होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो आपको बनता है दोस्तों। देखिए, एक्सक्रीजन इन ह्यूमन बींग्स, यहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनी। सबसे पहले तो जो ह्यूमन बींग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है दोस्तों, ए पेयर ऑफ किडनी, मतलब एक जोड़ा हमारे पास किडनी है, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। और किडनी याद रखिएगा बैकबोन के पीछे वाले एरिया में होता है, बैकबोन के पास वाले एरिया में होता है, आगे नहीं होता, पेट के पास नहीं होता है। ए पेयर यूरेटर्स, एक पेयर यूरेटर होता है दोस्तों, हम बताते हैं सबको लेबलिंग, यहाँ पर कभी कभी आपको लेबलिंग करने भी आता है क्वेश्चन। ए यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा, मतलब एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। आइए सबको देख लीजिए, देखिए हमारे पास ये क्या है, एक पेयर किडनी है, एक लेफ्ट किडनी, एक राइट किडनी होता है। ऑलराइट, जो हमारा लेफ्ट किडनी होता है ना उसका पोजीशन थोड़ा ऊपर होता है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट किडनी जो होता है ना वहाँ पर पीछे क्या स्टोमक है, स्टोमक के पोजीशन को देने के लिए वो क्या होता है, हल्का ऊपर हो जाता है, और जो राइट किडनी हमारा वो थोड़ा नीचे होता है, याद रखिएगा। राइट साइड में हमारा लीवर होता है, राइट साइड में हमारा लीवर होता है, तो लीवर के पोजीशन के कारण इसको अपना पोजीशन नीचे करना पड़ता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड हमारा ऊपर ही होता है। तो एक पेयर किडनी हो गया। यूरेटर, किडनी से जो पाइप यूरिन को ले जाता है दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। तो लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर, एक पेयर हमारे पास यूरेटर है, याद रखिएगा, एक पेयर यूरेटर है, एक पेयर किडनी है, एक यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, आप इसके बारे में जानते हैं, जो कि यूरिन को टेम्पररली स्टोर करके रखता है। और द नेक्स्ट यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ये देखिए, ये यूरेथ्रा होता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप कनेक्टेड है ताकि यूरिन हमारा बाहर पास कर सके, उसको हम उसको पी कर सके, मतलब जब आपको पी लगता है कि आपको अब यूरिन जाना चाहिए, तो देखिए मेल में जो होता है दोस्तों, मेल में यूरेथ्रा का क्वेश्चन पूछा गया कभी कि मेल में यूरेथ्रा का लेंथ, मेल में यूरेथ्रा का लेंथ दोस्तों, यूरेथ्रा का लेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है, मेल में यूरेथ्रा का लेंथ याद रखिएगा ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, फीमेल में यूरेथ्रा का लेंथ कंपैरेटिवली कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक यूरेथ्रा है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक पेयर यूरेटर है और एक पेयर हमारे पास किडनी है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, मतलब एब्डोमन में है हमारे जो भी पेट वाला कैविटी है उसको एब्डोमन कहते हैं। किडनी के मतलब बैकबोन के आइदर साइड में, बैकबोन के एक इधर है, एक बैकबोन के उधर है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पैसेज थ्रू द यूरेटर, जो भी यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी, किडनी का काम है एक यूरिन प्रोड्यूस करना, मतलब पानी को जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है, उसके अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, उन सारी चीज़ों को फिल्टर करके और जो यूरिन बन जाता है उसको यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करके रख देता है। तो वह कि यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर, क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरिन जो है प्रोड्यूस होता है किडनी, वो कहाँ से पास करता है, तो यूरेटर से इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के लिए, जहाँ कि वो स्टोर होता है अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, जब तक हम उसको यूरेथ्रा से बाहर ना कर दे। यही यूरेथ्रा दोस्तों मेल में जो कह सकते हैं कि पेनिस में, ये पेनिस तक रहता है, और फीमेल में, फीमेल में अलग दोस्तों यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होता है। फीमेल में याद रखिएगा, आपने अगर रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहाँ पर एक होता है वेजिनल ओपनिंग, मतलब वेजिना का ओपनिंग अलग होता है जिसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ऑलराइट, और एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से वो लेडीज जो है पी करती है। ऑलराइट, दोनों अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यूरेथ्रा की लेंथ कम होता है और मेल में ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, यूरिन बनता कैसे, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, यूरिन बनता कैसे दोस्तों। ऑलराइट, देखिए इसी को सीखना है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा आपको, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, कुछ भी आ सकता है। हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस, देखिए द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यूरिन बनाने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ब्लड के बाहर करना, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, मतलब फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर करना। वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के अंदर कैसे आ गया दोस्तों, तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, आप जानते हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके जाता है कहाँ पर, सेल के पास लेके जाता है। हमारा ब्लड क्या करता है, हमारा ब्लड जो है डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करके सेल के पास ले जाता है, ये सारा चीज़ जो है ब्लड लेके जाता है। अल्टीमेटली सेल के पास क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ कुछ ना कुछ वेस्ट बनता है, CO2 बनता है, ये सब कहाँ जाता है, सब ब्लड के अंदर ही चला जाता है दोस्तों। तो ब्लड से इन सारी चीज़ों को निकालना है, तो ये काम कौन करता था, हमारा किडनी करता है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी, देखिए जैसे CO2 को लंग्स के बाहर कर दिया जाता है,
जो ब्लड के अंदर जो CO2 होता है लंग्स उसको बाहर कर देता है, एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई उसको फिल्टर कर लेता है। उसी प्रकार से जो हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट है जैसे यूरिया है या यूरिक एसिड है उसको भी हम दोस्तों किडनी के थ्रू ब्लड से उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी लाइक इन द लंग्स इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड कैपिलरीज। मतलब इसमें सर आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आप आश्चर्य होने की कोई बात कहने का मतलब कि जैसे लंग्स में क्या होता है, लंग्स में दोस्तों जैसे हमारे लंग्स में एल्वियोलाई होता है जो हमारे CO2 को नाइट्रोजनस सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट को बाहर कर देता, उसी प्रकार से एक मिनट इस पे पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, देखिए थोड़ा पेन इस पर नहीं चल पा रहा दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, इसको हम ठीक करते हैं। तब तक आइए हम इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं दोस्तों, मेरे पास है सब जुगाड़ है, आप बस इसको देखते जाइए। देखिए यहीं से पढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। एक मिनट दोस्तों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा दिक्कत तो हो गया है। आइए पढ़ते हैं आप यहाँ से। देखिए जैसे हमारे पास कैपिलरीज है लंग्स में दोस्तों, उसी प्रकार से हमारे किडनी में भी क्या होता है, कैपिलरीज होता है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, वो इसको फिल्टर करने का काम करता है। इस कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द ट्यूब दैट कलेक्ट द फिल्टर्ड यूरिन। मतलब देखिए ना, कप शेप्ड है जो क्या करता है, फिल्टर्ड यूरिन को कलेक्ट करता है। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ, ये ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट आर कॉल्ड नेफ्रॉन। मतलब प्रत्येक किडनी के पास, दो किडनी हमारे पास लार्ज नंबर, लगभग 10 मिलियन, एक किडनी के पास 10 मिलियन, दोनों किडनी के पास 20 मिलियन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 10 लाख एक में, सॉरी 1 मिलियन दूसरे में, 1 मिलियन 10 लाख, 10 लाख होता है, 20 लाख होता है, पैक्ड टुगेदर। मतलब ये नेफ्रॉन क्या सेल है, इसी नेफ्रॉन से ही ना हमारा क्या होता है, किडनी बना होता है। सम सब्सटांसेज इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, कुछ जो सब्सटांस जो इनिशियल फिल्ट्रेट मतलब शुरुआत में जो छन के आता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब। मान लीजिए कि रीनल आर्टरी क्या होता है, ब्लड को लेके आता है, आर्टरी मतलब जो ब्लड को ले आता है अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड को लेकर आता है किडनी की तरफ। तो उस ब्लड के अंदर दोस्तों सारा चीज़ है, ग्लूकोज है, यूरिया है, सॉल्ट है, अमाइनो एसिड है, सब चीज़ होता है, लेकिन किडनी उसको फिल्टर करेगा। हम जानते हैं ग्लूकोज हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, ग्लूकोज हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए, वही तो हमको एनर्जी देता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब, जैसे जैसे यूरिन आगे फ्लो करता है हम उसमें से क्या करते हैं, इन सारे सब्सटेंस को सेलेक्टिवली, मतलब सेलेक्टिवली का मतलब होता है एनर्जी का खर्च करके, हमको अगर उसके लिए एनर्जी भी देना पड़े तो हम एनर्जी खर्च करके उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, कितना पानी एब्जॉर्ब होगा डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा पानी है। अगर ज़्यादा पानी पी लीजिएगा तो बॉडी अगर उसको सस्टेन नहीं करना चाहेगी तो ज़्यादा हम पानी को बाहर कर देते हैं, लेकिन देखिएगा जिस दिन आप पानी कम पीते हैं तो आपका यूरिन जो है तो येलोइश होता है दोस्तों। येलोइश होने का कारण क्या है कि हम सारा के सारे पानी हमारे बॉडी के अंदर है एब्जॉर्ब कर लिए हैं, तो वो उससे जो यूरिया होता है, यूरिया का जो अपना नेचर है, यूरिया का जो अपना कलर है वो येलोइश होता है, तो इसलिए हमारा यूरिन जो है उसमें कंसनट्रेटेड रहता है तो हमारा येलोइश दिखता है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर, जो किडनी के अंदर जो यूरिन बन जाता है दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है। देखिए ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी यहाँ से गया, ठीक है, ये भी रीनल आर्टरी है,
और रीनल वेन है, मतलब ब्लड सारा यहाँ से बाहर चल जाता है। ये हमारा बॉमेन कैप्सूल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ग्लोमेरुलस, वही कैपलरीज जो होता है, कैपलरीज गुच्छा के फॉर्म में होता है, उसको हम टफ टफ कैपलरीज भी बोलते हैं, उसको हम ग्लोमेरस बोलते हैं। ऑल राइट, यहाँ से फिर ये पार्ट होता है, उसको हम पीसीटी बोलते हैं। सिंपल अगर आप फिगर कभी देखे होंगे ऐसा, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, पीसीटी बोलते हैं, इसको हेनलेज लूप बोलते हैं, इसको हम डीसीटी बोलते हैं। इधर क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, तो उसी को कॉम्प्लेक्स कर दिया है। ऑल राइट, ये कलेक्टिंग डक्ट हमारा होता है। तो यूरिन जो है पूरे अल्टीमेटली इसमें बनता है, कलेक्टिंग डक्ट में आता है, फिर यहाँ से यूरेटर के माध्यम से वो चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिन फॉर्मिंग इन किडनी इवेंचुअली एंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर विच कलेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को रखता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। तब तक जब तक कि आपको लगता है कि नहीं कि हमको बाहर मतलब पी करने के लिए जाना चाहिए, सोसो करने के लिए जाना चाहिए, तब तक यूरिन जो है वहाँ स्टोर होता है। ब्लैडर क्या है, तो द ब्लैडर, ब्लैडर से भी क्वेश्चन हो सकता है। द ब्लैडर इज ए मस्कुलर, सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। मतलब ब्लैडर हमारा मस्कुलर होता है, इसलिए वो नर्वस कंट्रोल में, मतलब नर्व हमारा उसको कंट्रोल करके रखता है। ऑलराइट, मतलब नर्व के कंट्रोल में होता है। जैसे ही हमको लगता है कि जाना चाहिए, मतलब यूरिन जैसे ही भर जाता है वहाँ पर, तो वहाँ से मैसेज नर्वस न्यूरॉन के थ्रू हमारे ब्रेन में चल जाता है, ब्रेन हमको बता देता है कि आपको जाना चाहिए। अर्ज टू यूनिट, एज ए रिजल्ट वी कैन एक्चुअली यूजली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिन। उसमें हम क्या करेंगे कि मतलब एक प्रकार से आपको यूरिनेट का अर्ज आएगा। अर्ज मतलब क्या होता है कि मतलब एक प्रकार से आपको यूरिन उसमें लग जाएगा आपको दोस्तों, कि हाँ जब पूरा यूरिनरी ब्लैडर हमारा भर जाता है तो लगता है कि अब जाना चाहिए। ऑलराइट, तो ये जो है पूरा प्रोसेस है आपका, इस प्रकार से ये काम करता है। देखिए किडनी का फंक्शन पूछता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ किडनी, तो तीन फंक्शन है किडनी कैसे, हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस। अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो सबसे पहला काम है दोस्तों कि फिल्ट्रेशन, किडनी का हमारा काम करता है फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप में क्या करता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक। थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन, थर्ड स्टेप में है ट्यूबुलर सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन में हम किसका फिल्ट्रेशन करते हैं दोस्तों, सब चीज़ का, जो भी चीज़ यहाँ पर आता है ब्लड के थ्रू, वो सारे चीज़ का हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। इसके अंदर वाटर हो सकता है, ये सब लिखना पड़ेगा, वाटर हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, ऑलराइट, यूरिया हो सकता है, विटामिन हो सकता है दोस्तों, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ ये सब हो सकता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों को हम फिल्टर करते हैं, मतलब ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें सबको हम फिल्टर कर लेते हैं। फिर बताए थे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब दोस्तों, जिसे ये सब चीज़ तो फिल्टर हो गया, लेकिन ग्लूकोज को, सॉल्ट को, ये सब चीज़ को बाहर नहीं जाना देना है। यूरिया हमारा बाहर जाए तो जाए, वाटर, एक्सेस वाटर को बाहर नहीं जाना देना, तो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑलराइट, इसको हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, एक्सेस वाटर को तो हम बाहर कर देंगे, वाटर हो गया, और वो जो कुछ सॉल्ट होता है इंपॉर्टेंट, इन सारे चीज़ को हम क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते, मतलब हमारे ब्लड के अंदर ही दोबारा से आ जाए। ऑलराइट, और थर्ड स्टेप में हम ट्यूबुलर सिक्रेशन, कुछ जो और हमारे अंदर अगर किसी प्रकार का इम्प्यूरिटीज बच गया है, ठीक है, जैसे पोटेशियम आयन हो गया, जैसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन हो गया दोस्तों, एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, पोटेशियम आयन हो सकता है, इन सारे चीज़ को हम क्या करते हैं कि ट्यूब्यूल में, वही डीसीटी के अंदर हम इसको क्या करते हैं, सिक्रिट कर देते हैं, ताकि ये बाहर चले जाए, मतलब यूरिन के अंदर ये सब रहे। तो इस प्रकार से हमारा यूरिन जो है बनता है। ऑलराइट, तो ये तीन स्टेप आपको बताना पड़ेगा कि हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। तो यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय थ्री स्टेप्स, फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम किन किन सब्सटेंस का फिल्ट्रेशन करते हैं, तो वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट, यूरिया, विटामिन ईटीसी, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इन सारी चीज़ को हम रीअब्जॉर्ब कर, फिल्ट्रेस कर लेते हैं। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में वो सारा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट है, यूजफुल है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया। ग्लूकोज हमको एनर्जी देता है, अमाइनो एसिड से हम प्रोटीन बनाते हैं, वाटर तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, सॉल्ट, इन सारी चीज़ को हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कुछ जो वेस्ट बच गया, जैसे क्रिएटिनिन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, अगर ये एक्सेस में है, वेस्ट है, तो इसको हम बाहर कर देते हैं। आप देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल किडनी या हीम डायलिसिस, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, हीमोडायलिसिस से, देख लीजिए एक बार, छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव में। किडनीज आर वाइटल ऑर्गेन फॉर सर्वाइवल, ऑब्वियसली बात है, हमारे सर्वाइवल के लिए किडनी बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गेन है, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट अगर हमारे बॉडी के अंदर जमा होते जाएगा, तो जैसे आपके घरों में अगर एक से दो दिन अगर कचरा रह जाता है दोस्तों, वो स्मेल करने लगता है, इवन वहाँ से टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होने लगता है, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको हम हटाएं, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसा ही है।
सेवरल फंक्शंस लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड बॉडी फ्लो लीड टू किडनी, रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गया, किसी प्रकार का ब्लड फ्लो में रेस्ट्रिक्शन हो गया, तो किडनी यहाँ पर काम करना बंद कर देगा। इससे क्या होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो है जो पॉइजनस वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, जो कि इवन लेड टू डेथ, आपका डेथ भी करवा सकता है। इस बार ना करें, आपका डेथ हो, मतलब किसी का भी, जिस आदमी में अगर दिक्कत होगा तो उसमें हो सकता है, सच्चाई है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, अगर किडनी का भी फेलियर हो जाता है तो हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का हीमोडायलिसिस होता है। एक हैं बहुत प्रसिद्ध संत हैं जिसको प्रेमानंद जी महाराज, उनके बारे में आप सुनते होंगे, वो अक्सर कहते हैं कि राधा राधा नाम जपो, राधा राधा नाम जपो, ठीक है, मतलब आध्यात्मिक मार्ग पर लोग कहते हैं कि चलने के लिए, अग्रसर होने के लिए, ताकि व्यवचार की जो भी नीति है, मतलब लोग जो इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और तरीके से समाज में जो भी गलत कुरूतियाँ हैं, बच्चे इसमें शामिल हैं, बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं, बड़े से बड़े लोग शामिल हैं, लोग परेशान होते, तनाव, बहुत सारे जो समस्याएं हैं लोगों का, उन सारे चीज़ों को निजात पाने के लिए कहते हैं कि राधा राधा का नाम जपिए, गलत काम सब छोड़ दीजिए। उनको भी देखिएगा दोस्तों, वो अक्सर कहते हैं कि उनका दोनों किडनी खराब है और माता रानी राधा की कृपा से वो क्या है कि मतलब हीमोडायलिसिस उनका टाइम टू टाइम होते रहता है, और ईश्वर कृपा से देख लिया, आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, इनको भगवान का दर्जा मिला हुआ है, लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं, वो अपना प्रवचन देते रहते हैं अक्सर, और बहुत ही सख्त आदमी है। आप उनका वीडियो देखे होंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह आपको शॉर्ट्स में हर जगह उनका वीडियो मतलब इन दिनों छाया हुआ रहता है, तो वो बहुत सख्त आदमी भी है। मतलब तो हर चीज़ को किस प्रकार से लिया जाए, और जो साधु संत कुछ लोग जो है क्रूतियाँ फैला रहे हैं, कुछ जो गलत मतलब उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, उनके बारे में वो बोलते रहते हैं, ठीक है, जो भी आडंबर है, झूठी आडंबर है समाज में, उनके बारे में वो हर चीज़ को, वो हर पहलू को वो टच करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब वही था कि प्रेमानंद जी महाराज को भी हीमोडायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि उनका दोनों किडनी खराब है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड, एन आर्टिफिशियल किडनी इज डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी मतलब हीमोडायलिसिस वैसे ही काम करता है जैसे हमारा किडनी काम करता है, मतलब हमारे किडनी का काम है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करना, तो ये भी हमारा वही करता है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्स विद ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइनिंग सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड। देखिए ना, ये जो आर्टिफिशियल किडनी हमारा, इसमें ये पूरा सेटअप है दोस्तों, इसके अंदर कई सारा, ये एक प्रकार से मेम्ब्रेन जो है ट्यूब होता है, मेम्ब्रेन ट्यूब होता है, और इसके अंदर डायलिसिंग फ्लूइड होता है, मतलब जो फ्लूइड डायलिसिस करेगा इसके अंदर फ्लूइड होता है। ठीक, आगे जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, दिस फ्लूड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस फ्लूड का वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो हमारे ब्लड का होता है। दिस फ्लूड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड एक्सेप्ट डैट इट इज डिवाइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए जैसे हो वैसे दोस्तों। दिस फ्लूड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड एक्सेप्ट डैट इट इज डिवाइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब ये जो आर्टिफिशियल किडनी के अंदर जो फ्लूड होता है, उस फ्लूड के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जो हमारे ब्लड के अंदर सॉल्ट है, जिस भी चीज़ का प्रोटीन है, वाइटामिन, जो भी, वो ब्लड का पहले टेस्ट किया जाता है, जो भी कंसनट्रेशन है हमारे ब्लड का, सारा चीज़ इसमें वही सारा सब्सटेंस होता है, बस एक चीज़ इसमें अंदर नहीं होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता दोस्तों। तो फिर क्या होता है कि जैसे हमारे ब्लड से, बॉडी से जो ब्लड निकला है उसके अंदर सब चीज़ था, सारा ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब दोनों का सेम ही है, बस नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे अंदर ज़्यादा है और यहाँ तो नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है। तो सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के माध्यम से, हमारा जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है उस फ्लूइड के अंदर आ जाता है और यहाँ पर धीरे धीरे वो छनते जाता है, बस सिंपल प्रोसेस ये होता है। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू द ट्यूब, ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पासेज इन टू डायलिसिंग फ्लूइड बाई डिफ्यूजन, द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इन टू द पेशेंट। जैसे ही मतलब ब्लड हमारा प्यूरिफाइड हो जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट निकल गया, और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, सारा सब्सटेंस तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ही है, तो जो ब्लड का है वही हमारा डायलिसिंग फ्लूइड का है, तो सारा सब्सटेंस वही से रहता है, नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा बाहर निकल गया और हम ब्लड को द्वारा क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डाल देते हैं। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी बट इट इज डिफरेंट सिंस देर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्वड। मतलब हमारे किडनी के जैसे ही फंक्शन करता है, लेकिन यहाँ पर कोई रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्वड नहीं है, याद रखिएगा। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी बट इट इज डिफरेंट सिंस देर इज नो रीअब्जॉर्प्शन अब्सॉर्ब्ड। नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर पर डे। मतलब जो हमारा डेली का फिल्ट्रेट है दोस्तों, 180 लीटर हमारा किडनी फिल्टर कर देता है ब्लड को। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली 1 or 2 लीटर अ डे। लेकिन हम एक दिन में दोस्तों 1 से 1.5 लीटर, मुश्किल से 1 से 1.5 लीटर, 2 लीटर से मुश्किल से यूरिन पास करते हैं, क्योंकि जो सारा का सारा सब्सटेंस है, जो सारा का सारा जो इतना फिल्टर बनता है, उसको हम क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं, अपने बॉडी के अंदर द्वारा रख लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम उसके अंदर पानी होता है, और पानी जानते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, पानी के माध्यम ब्लड में 55% तो पानी है दोस्तों, तो उसके लिए ये पानी हमारे आवश्यकता है, ब्लड पानी के थ्रू बहुत सारा सब्सटेंस एक स्थान से
दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने का हमारा मीन्स है पानी, तो सारा का सारा फिल्ट्रेट को हम एब्जॉर्व करके रख लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये हमारा किडनी से रिलेटेड था। आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछेगा। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बता दिए, जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आप पूरा टारगेट मेरा जो 95 प्लस सीरीज है दोस्तों, उसको अच्छे से देखिए और उसमें जो भी चाहे साइंस का हो, मैथ का हो, टॉपिक है, जो भी छोटा छोटा टॉपिक है उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम वैसे ही टॉपिक को पकड़े जहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। आइदर एक नंबर में, दो नंबर में, तीन नंबर में, चार नंबर में, पाँच नंबर में ऑब्जेक्टिव बने, सब्जेक्टिव बने, जो भी बने, मैथ्स, डिफ्लाइंग, सब चीज़ वहाँ पर कवर किए हैं दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी वहाँ से मिलेगा। तो प्लीज़ पढ़िए और अपने मार्क्स को बढ़ाइए। थैंक यू।